फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, 68वीं बीपीएससी के लिए पेड टेलीग्राम डेली टारगेट बैच स्टार्ट कर दिया जा चुका है। डेली टारगेट बैच में देखिए डेली टारगेट्स और रिवीजन आपको इसमें करवाए जाएंगे। टारगेट के बाद बिहार स्पेशल सारा पीडीएफ यहाँ पे दिया जाएगा, चाहे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हो या करंट अफेयर्स हो, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। अलग अलग कोचिंग संस्थान इनके जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में आते हैं लाइक आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, तो जैसे जैसे मार्केट में इनका प्रैक्टिस सेट आएंगे वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाएगा। हमारे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। यानी कि हमारे ग्रुप में आने के बाद आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। करंट अफेयर्स का भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर में आप लोग मैसेज करेंगे, पेमेंट डिटेल जान लेंगे और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजेंगे, फिर आपको ऐड कर लिया जाएगा ग्रुप के अंदर में। धन्यवाद। जय हिंद, वेलकम टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। सो देखिए, नया साल आ गया, नया साल में एक दिन निकल गया और आज दूसरा दिन भी अब खत्म होने को है। शाम के 6:30 बज रहे हैं जब भी आपके सामने मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और आज का जो अपडेट है, आज हुआ है मीटिंग बिहार एसएससी सीजीएल का। और मीटिंग किस लिए हुआ आप सभी को मालूम ही होगा, ये रिगार्डिंग में है कैंसिल करने का सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। ठीक है, ये जो मीटिंग हुआ है तो मीटिंग के बाद अपडेट आना चाहिए था, जो कि आज ये उम्मीद था कि एक पॉजिटिव अपडेट आएगा। पॉजिटिव अपडेट मतलब कि कैंसिलेशन की बातें की जाएंगी, लेकिन ऐसा कोई भी पॉजिटिव अपडेट अभी तक नहीं आया है। देखिए यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं। आज जो मीटिंग हुआ है, अगर अभी आज कोई भी अपडेट नहीं आया है, वैसे बिहार से सीजीएल की ओर से बहुत बार ऐसा देखा गया है कि रात में 10-10 बजे नोटिस जारी किया जाता है, तो शायद हो सकता है देर रात नोटिस जारी कर दिया जाए। लेकिन अगर अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है इसके रिगार्डिंग में, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अभी जो है शायद अगर इस मुद्दे के ऊपर बात नहीं हुआ है, या मुद्दे के ऊपर बात हुआ है तो ये लोग बिल्कुल पुख्ता सबूत के साथ या जो भी है ना एविडेंसेस के साथ ये आपके सामने आना चाहते हैं। देखिए, सीधा सा डिमांड है हमारा, हर एक स्टूडेंट का सीधा सा डिमांड है कि कैंसिल ऑल शिफ्ट एग्ज़ाम। सीधी सी बात है, तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल करो, नए सिरे से एग्ज़ाम लो, क्योंकि तीनों शिफ्ट का पेपर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आया है। और जब एग्जामिनेशन हॉल के बाहर पेपर आ गया, उसको लीक के कैटेगरी में ही रखा जाएगा। आज अगर नोटिसेस नहीं आते हैं, सीधी सी बात है, तो देखिए कल इसका आने का पूरा चांसेस है। और 4 तारीख का मुहिम तो आप सभी जानते ही हैं, जो स्टूडेंट यूनियन और सारे स्टूडेंट्स के द्वारा ये बोला जा रहा है कि धरना दिया जाएगा, 4 तारीख को धरने में उतरा जाएगा, तो बिल्कुल वो चीज़ किया जाएगा, वो चीज़ होना है, सो डोंट वरी। और जो मुझे बिलीव है, जो मैं ये चीज़ समझ रहा हूँ कि पॉजिटिव न्यूज़ आएगा, हम स्टूडेंट्स के हक में ये न्यूज़ आएगा, एग्जामिनेशन कैंसिल होगा, जो मुझे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, जो ओवरऑल जो सिनारियो बनता दिख रहा है, अब इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है, आपको बस पढ़ना है एंड बाकी और कुछ नहीं करना है। हाँ, डेफिनेटली कल आपको एक कॉन्क्रीट न्यूज़ या कॉन्क्रीट अपडेट मिल जाएगा, डेफिनेटली ही मिल जाएगा, क्योंकि बैठक तो आज थी इसी के रिगार्डिंग बैठक थी। अभी तक तो कोई भी अंदर का न्यूज़ बाहर आया नहीं है और कुछ भी नोटिस के रूप में आया नहीं है। और देखिए सीधी सी बात है, जो हमारे अभी करेंटली जो सीएम साहब हैं वो काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं इस एग्ज़ाम लीक को लेके, या जो इन चीज़ों पे उनका पैना नज़र रहता है। और तेजस्वी यादव जो हैं खुद युवा हैं, तो युवाओं का दर्द समझेंगे आई होप, और इन चीज़ों का संज्ञान लेंगे और एग्ज़ाम जो है कैंसिल किया जाएगा तीनों ही शिफ्ट के। और इसके लिए और भी कोई बात नहीं है। अब जब एग्ज़ाम कैंसिल होगा, यहाँ पर 2-3 चीज़ों का समझना पड़ेगा। आयोग अगर इस चीज़ में असमर्थ है कि वो मतलब क्वेश्चन पेपर वो बोल रहे हैं चप्पल पहन के तुम जाओ, जूता मत पहन के जाओ सिक्योरिटी पर्पस के लिए, अगर इतना सारा तामझाम किया जा रहा फिर भी क्वेश्चन लीक हो रहा है, तो पता नहीं आयोग किस लेवल का इनका सिक्योरिटी लेवल है और किस लेवल की तैयारी है। मैं यहाँ सिंपल सा एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो हम लोग बार बार ये आवाज़ उठाते रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर आप लाने दीजिए, जैसे बीपीएससी लाइन देती है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन पेपर रखना चाह रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन पेपर रखना चाह रहे हैं, OMR का कार्बन कॉपी लाने दीजिए। ठीक है, OMR का कार्बन कॉपी लाने दीजिए, या तो फिर क्वेश्चन पेपर और OMR का कार्बन कॉपी दोनों ही आप लाने दीजिए। मेन वाला OMR आप रखिए, दोनों में से एक चीज़ आप अलाउ कीजिए। क्वेश्चन पेपर मस्ट है, क्वेश्चन पेपर आप अलाउ कीजिए, OMR मत दीजिए, कार्बन कॉपी उसका डजेंट मैटर, आप क्वेश्चन पेपर अलाउ करिए। ये हम स्टूडेंट्स का शुरू से डिमांड रहा है, जो कि आई होप फुलफिल होना चाहिए। ये नाजायज ऐसा कोई डिमांड है नहीं स्टूडेंट्स का, ये जायज़ डिमांड है। तो उम्मीद करता हूँ जो ये चीज़ें हैं कि बहुत जल्दी पॉजिटिव न्यूज़ आएगा और एग्जामिनेशन कैंसिल होगा। तो आज का अपडेट यही है
कि हाँ आज बैठक थी, अभी तक कोई चीज़ें निकल के सामने नहीं आई हैं, हो सकता है देर रात कुछ अपडेट निकल के सामने आ जाए, बट स्टिल अभी तक कोई भी अपडेट तो आया नहीं है। लेट्स सी, रात तक अगर कोई अपडेट आया तो आ जाता है, अदरवाइज कल तो डेफिनेटली एक अपडेट आपको कॉन्क्रीट सॉलिड एविडेंस के साथ एक अपडेट दिखेगा। सो फिलहाल के लिए बस यही है आज का अपडेट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।